पत्रकारिता जगत में अपने अमिट छाप छोड़ने वाले वरिष्ठ पत्रकार पवनदेव सिंह की बीते दिनों सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी मौत के बाद पूरी पत्रकारिता जगत में शोक की लहर छाई हुई है। सहरसा शहर के डीबी रोड स्थित रेनबो रिसोर्ट परिसर में पत्रकारों द्वारा दिवंगत पत्रकार पवनदेव सिंह की मौत के बाद शोक सभा का आयोजन किया गया। आयोजित श्रद्धांजलि सभा में जिले के तमाम पत्रकार शामिल हुए, जहाँ उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दिवंगत पत्रकार पवनदेव सिंह सहरसा जिले के पत्थरगढ़ प्रखंड से वे दैनिक समाचार के लिए लगभग 40 वर्षों से अपना योगदान अखबार के प्रति देते आ रहे थे। दैनिक अखबार के पत्रकार कुंदन सिंह ने बताया कि पत्रकार पवनदेव सिंह की सड़क दुर्घटना में बीते दिनों मौत हो गई थी। इसकी सघन जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर जल्द ही जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष बात रखी जाएगी और आरोपियों की सजा की मांग की जाएगी, साथ ही साथ पत्रकार की सुरक्षा की भी मांग की जाएगी। बीएनपी न्यूज के लिए सहरसा से संवाददाता रितेश की रिपोर्ट। बीते दिन सड़क दुर्घटना में हमारे पत्थरगढ़ के संवाददाता पवनदेव सिंह का निधन हो गया। हम लोग अपने अखबार तरफ से, पत्रकार संघ की तरफ से मांग करते हैं कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मामले की जांच कराए कि कहीं साजिश के तौर उनकी हत्या नहीं कर दी गई है। इसकी मांग को लेकर हर समारा शिष्टमंडल जिला प्रशासन से एसपी से डीआई से मिलेगा। आज हम लोग उनको शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इस मौके पर विधिवत निर्णय लिया गया, हम लोग प्रशासन समिति से इसकी मांग करेंगे। सुरक्षा की भी मांग आप लोग? हाँ, उनके परिवार और पत्रकारों की सुरक्षा की मांग की कहीं साजिश से पत्रकारों पर हमला तो नहीं हो रहा है, इसकी जांच बहुत आवश्यक है। और इस मुद्दे को लेकर हम सभी पत्रकार लोग से एसपी से मिलेंगे। कैसे व्यक्ति थे और क्षेत्र में किस तरह से काम करते थे? सिंह बहुत ही लोकप्रिय और जनप्रिय व्यक्ति थे। वो सिर्फ पत्रकार नहीं थे, अन्य जनमानस से उनका काफ़ी जुड़ाव था और काफ़ी पूरी कमिश्नरी में उनको लोग जानते थे और इससे पूरा इलाका, सिर्फ पत्रकार वर्ग नहीं, पूरा इलाका मरमाहा थे इस घटना से। कितने सालों से ये पत्रकारिता? वो लगातार जब से दैनिक जागरण बिहार में आया 2000 ईस्वी में, तब से लगातार दैनिक जागरण में वो सेवा दे रहे थे। विगत 22 वर्षों से अनवरत अखंड सेवा दैनिक जागरण देते रहे।